डिलाइट फोन के क्रिएटर होलियर ओ टेंग ने अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत ही इस कड़वे सच से करी कि योर टाइम इज इक्वल टू देयर मनी, यानी कि जितना ज़्यादा टाइम आप दोगे उतने ही ज़्यादा वो पैसे कमाएंगे। इसे कहते हैं दी अटेंशन इकोनॉमी, और हम अभी अटेंशन इकोनॉमी में ही जी रहे हैं जहाँ लोगों के अटेंशन के ऊपर बोली लगती है। जो मीडिया कंपनी अपने यूज़र का जितना ज़्यादा अटेंशन ग्रेप कर पाएगी वो मीडिया कंपनी उतना ही ज़्यादा अर्न कर पाएगी। इस बिजनेस मॉडल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है तो सिर्फ डिजिटली एडिक्टेड यूजर्स से जो इस टेक्नोलॉजी को माइंडलेसली डिजिटल ज़ॉम्बीज की तरह यूज़ करते हैं। ऑथर ने नोटिस किया कि टच स्क्रीन मोबाइल आने से दुनिया भर में कई सारे लोग पूरे दिन अपने मोबाइल में ही चिपके रहते हैं, इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि यही सबसे बेस्ट टाइम है कि लोगों को इस साइबर डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए डिजिटल मिनिमलिज्म के प्रिंसिपल सिखाए जाए। ऑथर कहते हैं कि लोग फेसबुक ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो अलग अलग शहरों में रहते अपने फ्रेंड से कनेक्ट हो सके, लेकिन एक ही टेबल पर अपने सामने बैठे फ्रेंड के साथ अनइंटरप्टेड कॉन्वर्जेशन मेंटेन नहीं कर पाते क्योंकि वो सामने वाले पर्सन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने स्मार्टफोन की नोटिफिकेशन को देते हैं। HBO के पॉपुलर शो रियल टाइम विद बिल मेहर ने भी अपने शो में कहा था कि चेकिंग योर लाइक्स इज द न्यू स्मोकिंग, क्योंकि बार बार अपने फोटोज की लाइक चेक करना और बार बार अपने स्टेटस के व्यूज देखते रहना आपके दिमाग की हेल्थ के लिए सिगरेट पीने से भी खराब है। आजकल पेरेंट्स ही अपने शरारती बच्चों को चुपचाप बैठाने के लिए उनको स्मार्टफोन्स और टैबलेट दे देते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उन्होंने अपने बच्चों को जो चीज़ दी है वो ड्रग से भी ज़्यादा एडिक्टिव है। अभी की गई एक रिसर्च के मुताबिक हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करने वाली चीज़ स्क्रीन है, और स्क्रीन की ये एडिक्टिव प्रॉपर्टी कोई एक्सीडेंट नहीं है पर बहुत ही केयरफुली इंजीनियर डिज़ाइन है जो बार बार हमें उसे चेक करने के लिए खींचती है। स्क्रीन के कलर हमारे ब्रेन्स को काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं, इसीलिए ही तो आपके फ़ोन में ज़्यादातर ऐप्स के आइकन रेड ब्लू और ग्रीन कलर्स के ही होंगे, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन मटेरियल डिज़ाइन और ये सब कलर्स की वजह से ही हमें एडिक्टिव लगती है। क्या आप जानते हैं फेसबुक में नोटिफिकेशन सिंबल का कलर पहले ब्लू था जिससे वो फेसबुक की ब्लू थीम से मैच कर सके, लेकिन लोग उस नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं कर रहे थे तो उन्होंने कलर साइकोलॉजी को समझ के वो नोटिफिकेशन सिंबल का कलर ब्लू से रेड कर दिया तो लोगों ने अपने आप ही उस पर क्लिक करना शुरू कर दिया। प्राचीन काल से ही हमारा ब्रेन हमारे सोशल स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश करता है, इसीलिए एरिस्टोटल ने भी कहा था कि ह्यूमन इज अ सोशल क्रिएचर, और इसी फैक्ट की वजह से लोग अपनी अपनी सोशल लाइफ को बैलेंस करने के लिए कॉन्वर्जेशन और डिजिटल कनेक्शन को एक ही मानते हैं जो सही नहीं है। कॉन्वर्जेशन मतलब फेस टू फेस बातचीत जिसमें एक दूसरे का आई कॉन्टेक्ट टोन ऑफ वॉइस फेशियल एक्सप्रेशन वो सारी चीज़ें इंक्लूड होगी, और यही सबसे बेस्ट तरीका है अपनी सोशल लाइफ को मेंटेन करने का। जबकि डिजिटल कनेक्शन मतलब कि टेक्स्टिंग इमोजीज पोस्ट स्टोरीज एट्सेट्रा वो काफ़ी फेक है। एग्जाम्पल देके बताऊँ तो आपके फ्रेंड की छोटी सी बेबी के बर्थडे पर उनकी पोस्ट पर सो क्यूट और हैप्पी बर्थडे लिखने से उनके घर पे जाके उनको रियली में विश करना कई गुना ज़्यादा ह्यूमनली और इफेक्टिव होगा। डिजिटल कनेक्शन कॉन्वर्जेशन का सपोर्टर ज़रूर हो सकता है, लेकिन अल्टरनेटिव कभी भी नहीं हो सकता। लोग मानते हैं कि अगर वो हर पल कनेक्ट नहीं होंगे तो वो डिसकनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन सच तो ये है कि लोगों के साथ डिजिटली लेस अवेलेबल रहने से दरअसल आपके रिलेशनशिप और ज़्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि अगर आप डिजिटली लेस कनेक्टेड रहोगे तो जब भी आप फेस टू फेस मिलोगे तो आपके पास कई सारी बातें होगी शेयर करने को, जबकि दूसरी ओर डेली कनेक्टेड रहने से फेस टू फेस मिलने पर आपके पास अपने अपने मोबाइल में उंगली करने के अलावा और कोई काम नहीं बचेगा, क्योंकि आप दोनों को ऑलरेडी एक दूसरे की हर पल की खबर है कि वो क्या करता है वो कहाँ गया था क्या किया एट्सेट्रा। आप जो भी मानो पर डेटा बहुत ही क्लियर बोलता है कि लोग जितना ज़्यादा डिजिटली कनेक्ट होंगे वो उतने ही ज़्यादा अकेले होते जाएंगे। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑलवेज अवेलेबल और चीप होने से इस डिस्ट्रैक्शन ने लोगों को एडिक्टिव और मेंटली कंगाल बनाकर रख दिया है। कुछ डेटा बताते हैं कि लोगों की इंटरनेट पर हर 5 मिनट में से 1 मिनट सोशल मीडिया पर बीतती है। स्मार्टफोन का यूसेज कुछ ही सालों में डबल हो गया है, और एवरेज पर्सन डेली 2 से 3 घंटे अपने मोबाइल की स्क्रीन को देखने में बिताता है। इसलिए अब टाइम आ गया है कि हम इस मेडनेस को ख़त्म करें और अपनी लाइफ को रीडिज़ाइन करें, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ फ्यूचर में स्मार्टफोन एडिक्शन इज इंजरियस टू मेंटल हेल्थ के साथ लिखा हुआ आएगा। इसलिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का इफेक्टिव यूज़ करने के लिए हमें डिजिटल मिनिमलिज्म और उसके प्रिंसिपल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। डिजिटल मिनिमलिज्म एक फिलोसॉफी है जो आपको वो डिजिटल टूल्स को चूज करने में हेल्प करेगी जो आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एड कर सके। डिजिटल मिनिमलिस्ट बनने के लिए आपको सबसे पहले टेक्नोलॉजी को इंटेंशनली यूज़ करना सीखना होगा। जब भी आप अपना फ़ोन उठाओ तब उसे किस पर्पस के लिए उठाया था उसे याद रखो, वो पर्पस पूरा होने के बाद इमीडिएटली उसे जहां था वहां रख दो जिससे आप डिस्ट्रैक्शन के लूप होल से बच सको।
ज्यादातर केसेस में हम टेक्नोलॉजी का यूज शॉर्ट टर्म इमोशनल रिलीफ के लिए करते हैं, तो हमें डिजिटल डिवाइसेस का यूज चीप इमोशनल रिलीफ की बजाय कुछ क्रिएट करने के लिए करना चाहिए जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट, मीनिंगफुल और वैल्यूएबल हो। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं कि ह्यूमंस डीपली एक क्राफ्टमैन है जो किसी ना किसी लेवल पर कुछ ना कुछ क्रिएट करने की चाहत रखता है, जो प्रोग्रामिंग से पोएट्री लिखने की चाहत या पिन से प्लेन बनाने की चाहत कुछ भी हो सकती है, जिससे वो कुछ क्रिएट करके दुनिया को दे सके। तो टेक्नोलॉजी का यूज इंटेंशनली और कुछ क्रिएट करने के लिए करना हमारा प्राइमरी गोल होना चाहिए, और इस लेवल को पाने के लिए हमें कुछ बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी, जो है कि शाम को अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए या स्टडी के लिए 2 घंटे अपने फोन को एयरप्लेन मोड पर करके कहीं ड्रॉवर में रख दो। अपने स्मार्टफोन को घर पे छोड़ के ही इवनिंग वॉक पर निकल सकते हो। वीक में एक टाइम फिक्स रखो जब आप अपने फोन में से अनयूज्ड एप्स, अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स और फोटोज को डिलीट कर सको। आफ्टरनून में अपने फोन के बिना ही लंच ब्रेक लो। जो एडिक्टिव एप्स को आप अपने लैपटॉप पर ब्राउजर में ओपन कर सकते हो, उसे अपने मोबाइल में से अनइंस्टॉल कर दो और सिर्फ लैपटॉप पर ही उसे यूज करो। हो सके तो न्यूज से दूर ही रहे, लेकिन फेक ब्रेकिंग न्यूज और ऑनलाइन न्यूज की बजाय ट्रस्टेड न्यूज़पेपर को ही खरीद के पढ़े, जिससे आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिले। जो व्हाट्सएप ग्रुप की आपको जरूरत हो और जिस ग्रुप में से आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती हो, उस ग्रुप को ही ज्वाइन करो। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप को बाय बाय कह दो। लास्ट में मेरे कहने का मतलब एक ही है कि डिजिटल मिनिमलिज्म मतलब ये नहीं कि आप सभी डिजिटल टेक्नोलॉजी को छोड़ दो। डिजिटली मिनिमलिस्ट बनना मतलब आप कब और किस तरह से डिजिटल वर्ल्ड को यूज़ करते हैं उस पर कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करके उसे अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करना। डिजिटल मिनिमलिस्ट बनने से आप अपनी मोस्ट वैल्यूएबल चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकोगे। आपकी लाइफ में से डिजिटल डिस्ट्रेक्शन को दूर करना आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सबसे पावरफुल वेपन है, जो रॉबिन शर्मा, कार्ल न्यूपोर्ट और डेन स्क्वाबल जैसे कई सारे ऑथर ने माना है। ये सभी बातें मैंने आपको कार्ल न्यूपोर्ट की लेटेस्ट बुक डिजिटल मिनिमलिज्म में से बताई है, जो हर तरफ टेक से भरी इस दुनिया में हमें अपनों के लिए टाइम निकालना सिखाती है। अगर आप टेक्नोलॉजी के गुलाम बनना नहीं चाहते और टेक्नोलॉजी का इफेक्टिव यूज करना चाहते हैं, तो आपको डिजिटल मिनिमलिज्म बुक जरूर रीड करनी चाहिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर आपको मेरे वीडियोस काम के लगते हैं, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस टॉपिक के बारे में आपके व्यूज़ कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।